दिल्ली में कुछ दिनों की ठंड से राहत के बाद एक बार फिर से ठंड देखने को मिल रही है। दिन में धूप खिलने पर ठंड से कुछ राहत तो मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम ठिठुरन बनी हुई है। अभी कुछ दिन तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। सोमवार सुबह की शुरुआत ठंड के साथ हुई, वहीं बाद में धूप निकल गई है जिससे ठंड से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन में खिली धूप के कारण मौसम कुछ गर्म हुआ, इसलिए अधिकतम तापमान बढ़कर सामान्य स्तर पर 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 12 फरवरी से दिल्ली में तेज हवाएं चलने की आशंका है। हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। 15 फरवरी तक शहर में तेज हवाएं चल सकती है। वहीं दिन के समय मौसम साफ रहेगा, लेकिन दिन के समय हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, जिस वजह से सुबह और शाम ठंड बरकरार रहेगी। वहीं अगर प्रदूषण की बात करें तो सर्द हुए मौसम के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और ये बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में ठंड से राहत मिली है और धूप खिल रही है, जिससे तापमान में वृद्धि देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह और शाम ठंड का दौर अभी भी जारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।